जनपद संभल की चंदौसी में कोतवाली पुलिस ने मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। एक अभियुक्त गिरफ्तार, दो फरार। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने नगर के कई मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। मंदिरों से चोरी का माल बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान कर दिया है। चोरी की घटनाओं में दो अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने दो लोगों को नामजद करते हुए तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। प्रभारी निरीक्षक ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। चोरों ने 25 फरवरी की रात मोहल्ला दर्जियान स्थित शिव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए इन्वर्टर, बैटरा, त्रिशूल, 1.5 किलो पीतल का घंटा, 4 जोड़ी मजीरे, पीतल के दीपक आदि सामान चोरी कर लिया था। यहां चोर मंदिर के पास ही राजू चौधरी के आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए थे। दो चोर बाइक पर थे और एक ठेले पर सामान ढोकर ले जाते देखा गया था। इसी रात चोरों ने मोहल्ला गोलागंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर के ताले तोड़कर चोर दान पात्र से 5,000 से अधिक नकदी चोरी कर ली थी। 1 मार्च की देर शाम करीब 6:30 बजे कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी का सामान बेचने जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिट्टू उर्फ बिटवा पुत्र अशोक कुमार व चिंटू पुत्र महिलाल निवासीगण मोहल्ला सेमर टोला व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिट्टू उर्फ बिटवा को गिरफ्तार कर चालान किया गया है। इसके पास से लोहे का त्रिशूल, पीतल का घंटा, तश्तरी, दीपक, इन्वर्टर व बैटरा और एक चांदी का सिक्का बरामद किया गया है। अन्य की तलाश में दबिश जारी है। जिसके चोर को आपने गिरफ्तार करके आज खुलासा किया है और जेल भेजा है, सर उसमें क्या पूरा मामला है? हाँ, 3-4 दिन पहले गोपाल मोहल्ले में एक चोर ने और उसके दो साथियों ने मंदिर से घंटा और त्रिशूल चोरी कर लिया था, जिसे हमने आज उसके माल सहित गिरफ्तार करके इसे बिट्टू और बिटुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके दो साथियों की गिरफ्तारी शेष है।